कल की खबरें पूरी कर चुका हूँ घोष बाबू। और देखिए वो बंगाली पूरे वाले, क्या नाम है उसका, भास्करन ने जो बेकारी से तंग आके जहर खा लिया, उसकी खबर आप भूलिएगा मत, वो मैं वहां अलग से नोट कर चुका हूँ। ताज्जुब तो यह है कि इन लोगों के पास जिन्हें खाने को फूटी कौड़ी नहीं मिलती, जहर के लिए पैसा कहां से मिल जाता। घोष बाबू, जीना कितना मुश्किल है और मरना कितना आसान है। अरे भाई, अपने लिए तो जीना भी मुश्किल है और मरना भी मुश्किल है। चार चार महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी नौशु, तो आदमी मरेगा भी कैसे। घबराने की बात नहीं है घोष बाबू, पैसा जब नहीं आता तो नहीं आता, मगर जब आने लगता है तो आने ही लगता। और एक ना एक दिन हमारे पास तो पैसा जरूर आएगा जी, आपके पास आए ना आए मेरे पास जरूर आएगा। तुम ठीक कहते हो नौशु, हम तो बेवकूफ आदमी ठहरे, अपने पास पैसा कहां से आएगा। लेकिन सुनने में तो यही आया घोष बाबू कि पैसा बेवकूफों के पास ही आता है। और मुश्किल तो यह है कि हमारे घोष बाबू पूरी तरह से बेवकूफ भी तो नहीं है। अच्छा चल दिए घोष बाबू। बहुत बुरी बात है मोनू साहब, बहुत बुरी बात है, आज आप खेलने ही नहीं आए हैं। अरे आप तो ऐसे उदास बैठे जैसे आपकी जोरू भाग गई हो। इधर देखिए, आप रो रहे हैं मोनू साहब, क्या बात है, क्या बात है मोनू साहब? मोनू देखो दीदी आ गई है।
चलो घर चलो, अकेले में जी भर आया होगा। चल तुझे सुला दूं, फिर तू मीठे मीठे सपने देखेगा। बाबा और माँ जी सपने में तुझसे मिलने आएंगे, उनसे कहना हमें छोड़कर तुम चले गए, हम भी मर जाते, हमको भी अपने साथ दूसरी दुनिया में ले चलते तो अच्छा होता। इस गम भरी दुनिया में हमको बेसहारा छोड़कर चले। चल राजा तुझे सुला दूं, ये रात बहुत लंबी मालूम होती है, जितनी सोते में कट जाए उतना ही अच्छा होगा। सो जा मेरे प्यारे, सो जा अखियों के तारे, सो जा अखियों के तारे, सो जा सुहानी चंदा गाए, मीठी मीठी निंदिया आए, रात सुहानी चंदा गाए, मीठी मीठी निंदिया आए, राज दुलारे नैनन तारे, सो जा मेरे प्यारे, सो जा आहों की फरियाद दुनिया, ये दुनिया बेदाद की दुनिया, आहों की फरियाद की दुनिया, दुनिया तेरी दुनिया चांद सितारे, सो जा मेरे प्यारे, सो जा मेरे प्यारे, सो जा बानी मास्टर आओ, बहुत परेशान नजर आते हो। नहीं नहीं बिहारी, मैं तो ऐसे ही देख रहा था, नौशु कहाँ है? नौशु बच्चों के साथ बैठा दिल लगी करता होगा कहीं, मगर तुम बहुत परेशान नजर आते हो, घर वाले के साथ झगड़ा हुआ होगा, और है भी तो बड़ी जबरदस्त। नहीं नहीं बिहारी, मैं तो नौशु का सोच रहा था, दिन रात अखबार के लिए मेहनत करता है, मगर चार चार महीने दमड़ी उसके हाथ नहीं आती, जाने कैसा अखबार है, एक दिन छपता है दूसरे दिन बंद हो जाता है। सच लिखने वाला अखबार है ना, तो उससे कह दे कोई और धंधा ढूंढ ले, या तू अपने साथ उसे स्कूल में रखवा दे, तेरी तरह वो भी बच्चों को पढ़ाता रहेगा। हाँ कोई दूसरा अच्छा धंधा मिल ही जाए तो अच्छा है। राम राम बानी। रजवा कैसे हो? ठीक हूँ। रजवा कैसा है?
ठीक हूँ बिहारी भाई। कहाँ गया था? घोड़े के लिए दाना लाया हूँ। सुन सुन, जानता है मोहल्ले भर में क्या हो रहा है? हाँ हाँ सब जानता है। कुछ नहीं जानता, मैं सुनाता हूँ। सुन, शामू की जोरू भाग गई है। हाँ भाग। शामू थाने में रपट लिखाने गया था। गया था। जानता है पानी मास्टर के यहाँ क्या हो रहा है? अरे कहा बिहारी बाबू, जब जब देखो खिड़की पे बैठे दूसरन की बातें, दूसरन की बातें, दूसरन की बातें, दूसरन की बातें, तो झूठ थोड़े ही बकते हैं। कहीं का तू तो बूढ़ा हो गया है, तेरा तो दिमाग खराब है। और तुम का जवान हो? अरे हम तुम दोनों किनारे पे खड़े हैं। अच्छा अच्छा बके जाओ, बके जाओ, और करोगे भी। अच्छा राम राम, राम। नोशु, यहां रास्ते पर बैठा क्या सोचता रहता है? मैं बानी, आज फिर परेशान हो? क्या बताऊं, तेरी भाभी घर पे सिगरेट भी कहां पीने देती है? तो अच्छी बात ही तो है। कोई अच्छी बात नहीं है। क्यों, क्या हुआ बानी? तू आजकल देर देर तक घर क्यों नहीं आता? घर पे खाना क्यों नहीं खाता? उल्लू, बहुत दिनों के बाद आज घर पे हलवा बना है, चल के खा ले। मुझे बाहर जाना है बानी, मैं नहीं आ सकता। मैं सब जानता हूँ, तू ऐसा क्यों करने लगा है? मैं सब जानता हूँ, सब जानता हूँ। मगर नोशु, मैं इतना गरीब भी तो नहीं हो गया हूँ कि अपने एक भाई की देखभाल ना कर सकूं। बानी, मैंने तुझे कलेजे से लगा कर पाला है, मगर तू क्या जाने कि जब तू नहीं खाता तो मुझे भी खाना जहर मालूम होता। बानी, मैं सारी जिंदगी औरों का खाना नहीं चाहता। मेरा दिल नहीं मानता है बानी, मेरा दिल नहीं मानता बस। कहाँ हो जी? मैं पूछ रही हूँ कहाँ हो? घर जाओ बानी, भाभी बुला रही है। हाँ हाँ। मिलाए भाई साहब से? जानती हो मिन्ना, मैंने उसको बचपन से पाला है और उसका दुनिया में कोई भी नहीं है। तो फिर माला बनाकर उसको गले ही में बांध लो ना। जाने तुम उसको अपना दुश्मन क्यों समझती हो? दमड़ी के निखट्टू को दुश्मन ना समझू तो और क्या समझू? मिन्ना, वो तो अब घर पे खाना भी नहीं खाता। इस घर में मुझे उसका सांस लेना भी अच्छा नहीं मालूम होता, समझे? पैसे वालों की बेटी और क्या बात करेगी। जब तो अपनी तकदीर को रोती हूँ कि किस भूखे नंगे घर से किस्मत लड़ गई। बाबा तो अब भी कहते हैं छोड़कर चलिया। 100 रुपए ली तनख्वाह में अपना घर तो ठीक से चल नहीं पाता, ऊपर से मिस्टर भाई साहब का ठेका भी ले रखा है। नोशु, बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, होटल में भी नहीं मिले आज।
कुछ पैसे चाहिए यार। दोगे? तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि इतनी पुरानी मुलाकात और राम बाबू चार पैसे उधार न दे सके। क्या बताऊं नोशु, कुछ बात ऐसी है कि कसम ले लो जो फूटी कौड़ी पास हो। अब मगर तुम तो बड़े शरीफ आदमी हो भाई, ये आधी रात गए तुम्हें पैसों की जरूरत। आधी रात गए मुझे पैसों की जरूरत कैसे पड़ी? राम बाबू रात के वक्त ही तो रोशनी की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या बताऊं दोस्त, अपने को तो दिन के वक्त भी अंधेरे की जरूरत पड़ती है, वरना अपना धंधा कैसे चले। ठीक है ठीक है, राम बाबू काले बाजार के धंधे के लिए अंधेरे की ही नहीं अंधेर की भी जरूरत पड़ती है। आज मैंने अपनी आंखों से दो मासूम जानों को भूखा मरते देखा है। ये अंधेर नहीं तो और क्या है राम बाबू, कि एक खाता और 1000 भूखा मरता है। हाँ ठीक है ठीक है। और फिर मैं तुमको भी देखता हूँ दोस्त, काले बाजार ने तुमको कितना सुखी बना रखा है। नोशु बाबू, तुमसे दोस्ती करके तो हमने मुसीबत मोल ले ली है। अरे साहब, काला बाजार कोई हमारे बाप की जागीर तो है नहीं, जिसका जी चाहे आए और आकर कमा ले। तुमसे भी तो कई मरतबा कह रखा है कि थोड़ी बहुत पूंजी कहीं से मार लाओ, तुम्हें भी पैसे वाला बना देते हैं। सोच रहा हूं ऐसे ही करना पड़ेगा। ऐसे ही करना पड़ेगा राम बाबू। सारी रात तेरे इंतजार में मैंने जाग के काटी है। तू कहाँ था? मैं भी रात ही काट रहा था बानी। क्या मतलब? बानी ये रात कट सकती है बानी, सारी रातें कट सकती है, बस 1000 रुपया चाहिए बानी, 1000 रुपया। और 1000 रुपया ही तो नहीं है बानी, 1000। तुम ला सकते हो 1000 रुपया? कैसी बातें कर रहे हो नोशु? हाँ तुम ला सकते हो 1000 रुपया। कहाँ से ला सकता हूँ? तुमने कहा था ना कि पढ़ाने के अलावा स्कूल के दफ्तर का काम भी तुम करते हो। हाँ। बच्चों की फीस भी तुम्हारे पास रहती है। हाँ। तो उस रकम में से मुझे 1000 रुपया ला दो बानी। तुम्हारी सर की कसम है मैं 2-4 दिनों में तुम्हें लौटा दूंगा। मैं हेडमास्टर से पूछूं? हेडमास्टर से पूछने की जरूरत ही क्या है बानी, 2-4 दिनों में तो हम उनकी रकम ही लौटा देंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। बानी ये सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, ये सब मुसीबतें दूर हो जाएगी बानी, ये अंधेरा भी दूर हो जाएगा। उस मकान की जगह में एक शानदार बंगला ले लेंगे बानी, सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ जाएगी बानी, सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ जाएगी बानी। बानी सुना है अनाज का धंधा भी होगा? जी हाँ होगा। मगर तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे, हम तुमसे डरते हैं क्या? चोर की दाढ़ी में तिनका रहा हूं। जब देखो धमकी देने चले आते हैं। जाओ जाओ छाप दो अखबार में कि राम बाबू काले बाजार का धंधा करते हैं। मगर एक बात पूछूं, आपके पास इसका क्या सबूत है कि राम बाबू काले बाजार का धंधा करते हैं? अरे साहब सारी दुनिया जानती है कि हम तो होटल चलाते हैं और शरीफ आदमी हैं। राम बाबू जब दिल्ली से दिवालिया होकर आए थे तो साथ क्या लाए थे? चमन्नी लाए थे। और अब क्या है? लाखों रुपए तो कहाँ से आए? कहाँ से नहीं आए, भेजा लड़ाया, दिमाग लड़ाया साहब, गाढ़े पसीने की कमाई है, चोरी नहीं की है, जेब नहीं काटी है। जी ओ
पांच का माल 50 में बेचा करते हैं, चोरी नहीं की है, जेब नहीं काटी है। क्या मतलब है तुम्हारा, पांच का माल ढाई आने में बेच दें? 1000 में बेचो, 1,00,000 में बेचो राम बाबू, लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखो। हमें अपने धंधे में शामिल करना होगा राम बाबू। कह तो रखा है कि काला बाजार कोई मेरे बाप की ही जागीर नहीं, तुम भी कहीं से पूंजी मार लाओ और 4 पैसे कमा लो। 4 पैसे नहीं, 1,00,000 रुपए कमाने का इरादा, लखपति बनने का इरादा है राम बाबू। तुम यहाँ कैसे आ गए आज? नोशु, ये अदनंगी औरत कौन है? कौन कौन? अरे बानी तुम घबराए हुआ? नहीं नोशु, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा था, मालूम हुआ कि तुम इस जगह बहुत आते जाते हो, मैं भी चला आया। मगर नोशु, ये कोई अच्छी जगह नहीं मालूम होती, तुम यहाँ क्यों आते हो? चलो आओ बानी। लोग नहीं मालूम होते। नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूं। लो बानी, लो, लो, लो ना। ये कौन है? ये राम बाबू है बानी। सूरत से तो ठग मालूम होता है। अच्छा, चुपके से ये 1,000 रुपए ले लो, स्कूल से उठा लाया हूं, 4-8 दिन में लौटा देना, नहीं तो जाने हेडमास्टर क्या समझ बैठे। अच्छा क्या तुम ये ले आए बानी, नहीं तो फायदा उठाने का बड़ा अच्छा मौका हाथ से निकल जाता। ये राम बाबू के होटल में काम करती है, नाचती है कभी कभी यहाँ। अच्छा मैं चलता। ये रही मेरी पूंजी राम बाबू, अनाज के धंधे में अब अपना भी हिस्सा रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है नोशु, मगर किसी से कहना नहीं, मेरे धंधे के बाकी हिस्सेदार जो है ना, वो इतने अच्छे नहीं है जितना मैं हूं। मैं उनको भी ठीक कर लूंगा राम बाबू। हाँ तुम हो तो बहुत चालाक नोशु, कभी कभी सच में तुमसे डर लगता है, न जाने क्या उल्टा सीधा छाप के बदनाम कर दो। हम जान गए राम बाबू, तुम बहुत डरपोक आदमी हो। क्या बताएं सेठ जी, ये अखबार वाले होते ही कुछ ऐसे हैं कि कभी कभी इनसे डर लगता है, इसीलिए तो सोचा है कि 4 पैसे का फायदा दिलवाकर इसका मुंह ही क्यों ना बंद कर दें। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, मुझसे मिलकर भी आप लोगों को बहुत खुशी होगी। मेरा नाम नोशु है, आपका नाम बेरी साहब है मैं जानता हूं, और आपके दूसरे साथियों को भी अच्छी तरह, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, तो शीर्ष अच्छी ठाकुर साहब। आपको लोग ठाकुर कहते हैं और मेरा नाम नोशु है, आपके मिजाज पर अच्छे ठाकुर साहब।
आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ही अजीब आदमी हूं, लेकिन राम बाबू आप लोगों को बताएंगे कि मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूं। आपके काले धंधे के सब राज मुझे मालूम थे, लेकिन न तो मैंने सरकार को खबर दी और न मैंने अपने अखबार में कुछ छापा। इसलिए कि मुझे आप लोगों के साथ मिलकर धंधा करना है, पैसे से पैसा बनाना है, सबसे इज्जत वाला धंधा करना है। और अगर आप लोग मुझे अपने साथ शामिल नहीं करेंगे तो मजबूरन मुझे बुरा आदमी बनना पड़ेगा। सुनिए, वो ये कहाँ कहाँ वो मुन साहब कहाँ है? घर पे होगा। घर पे तो नहीं, तो मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो फिर आपके पास होगा? होते तो हैं, लेकिन उन्हें ढूंढना बहुत पड़ता है। ये फूल आप मेरी तरफ से उनको दे देंगी? और कुछ कहना भी होगा? हाँ, कहना तो था। उनसे कहिएगा कि हमने पहले से यही सोच रखा था कि ये फूल हम सिर्फ उन्हीं को देंगे जिनको हमेशा अपने दिल में रखना चाहेंगे। तू जल्दी घर बार वाला हो जाए तो मुझे भी 4 दिन का सहारा मिले। अरे ठीक है वानी, ठीक है। देख लेना, नौशू अपने वानी मास्टर के लिए इतना बड़ा महल बनाएगा कि हर दूसरे दिन वानी मास्टर को ढूंढना पड़ेगा कि कहां खो गए। महल क्या करेगा जी, मुझे तो दुनिया ही इतनी तंग इतनी छोटी मालूम होती है कि जी घबरा जाता है। हाँ, ये भी ठीक कह रहे हो बानी। इस दुनिया की कुछ रीत ही अजीब है बानी। जिस दिए से रोशनी फूटती है उसी से धुआं भी निकलता है। हाँ, जानता हूँ। मगर नोशु, ये तो बता, अभी अभी पुल के पास तुमने किसी को फूल दिए, वो कौन है? फूल मैंने किसी को नहीं दिए बानी। मैं भला किसी को फूल क्यों देने लगा? तुम भी अजीब बातें करते। शर्माने की क्या बात है, लड़की अच्छी है नुशु, तकदीर वाली है। शादी से पहले जनाब ने भाभी के बारे में भी एक बार यही कहा था, याद है ना? याद है। सुन लेगी तो आफत आ जाएगी। सिगरेट हो तो पिला। सिगरेट? अरे नहीं है बानी, सिगरेट नहीं। आखिर कब तक होगा, और होगा भी या नहीं होगा? नोशू,
अनाज का धंधा बहुत पक्का धंधा है। हमने तो मंडी का रंग देखकर खुद ही हाथ खींच लिया है। 5-10 रोज में जैसे जैसे लोग ज्यादा भूखों मरते जाएंगे वैसे वैसे माल का दाम बढ़ता जाएगा नोशु, बढ़ता जाएगा। क्या मतलब? क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि जैसे जैसे लोग ज्यादा भूखों मरते जाएंगे वैसे वैसे माल का दाम बढ़ता जाएगा नोशु, बढ़ता जाएगा। चल लिए। अरे नोशू, तेरा तो सिर्फ 1000 का जोखम है, हम गरीबों का तो लाखों का मामला फंसा हुआ है। हमारा भी क्या कलेजा होगा, कभी सोचा है तूने? हाँ। पंद्रह साल तुमने स्कूल में नौकरी की है, इसीलिए रुपया पैसा संभालने का काम तुमको दे रखा था, मगर मालूम नहीं था कि एक दिन तुम चोरी करोगे। जल्दी से जल्दी पूरा रुपया वापस करना होगा। अब तुम जा सकते हो। कहाँ हो जी? मैं पूछती हूँ कहाँ हो? यहाँ क्या कर रहे हो जी? फिर क्या आफत आ गई जो सिगरेट पी रहे हो? तुम कहाँ मानोगी मिन्ना, तुम्हारे रूखेपन से जब दिल पे चोट पड़ती है तो सिगरेट पी लेता हूँ। मिन्ना, मोहब्बत कोई दिल लगी थोड़ी है, और फिर बुढ़ापे की मोहब्बत। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे 2-4 दिन के लिए मेके जाना है, उसका इंतजाम कर दो बस। बानी मास्टर खुद तो बहुत भोले भाले हैं, लेकिन बीवी बड़ी जरस्त मिली है। दो चार दिन की देर हो गई बानी। हेडमास्टर साहब ने पूछा तो जरूर होगा। हाँ, पूछा जरूर है, लेकिन क्या कर लेंगे जी, कोई दिल लगी है। 15 साल की सेवा है नोशु, और हमसे ज्यादा दुनिया में कौन ईमानदार होगा। कुछ घबराने की बात नहीं है, वापिस कर देंगे। मैं जानता हूँ बानी तुम परेशान हो। नहीं नहीं नोशु, मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन घबरा मत बानी, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरी जान भी तेरे काम आ जाए नोशु, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस धंधे में कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है, मगर आप यकीन रखिए कि माल बाद में और पैसा पहले।
सौदा हो गया? सुना है बहुत अच्छे दामों में हुआ है। तू तो मौका बेमौका आकर धचके से लगा देता है। अभी धक से कलेजा बैठ गया होता मेरा। अजीब आदमी है। उफ। पांच हजार है तेरा हिस्सा। अब तो मान गया ना कि राम बाबू ने अपनी दोस्ती निभाकर छोड़ी। पांच हजार रुपया राम बाबू, दस हजार रुपया, बीस हजार रुपया, पचास हजार रुपया, एक लाख रुपया राम बाबू, दस लाख रुपया, और फिर बीस लाख, तीस लाख, चालीस लाख, पचास लाख, साठ लाख, सत्तर लाख, और उसके बाद न जाने कितने लाख। नोशू, चारों तरफ पैसा ही पैसा, पेट में पैसा, जेब में पैसा, मुंह में पैसा, जहां देखो पैसा ही पैसा। ठीक कहता है नोशू कि पैसा जोड़ो और बाकी छोड़ो, राम भला करेगा। छी 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 बानी, गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात। वैसे अब इसकी कोई जरूरत भी नहीं है बानी, मैं तुम्हारा एक हजार रुपया ले आया, देखो। और एक हजार रुपया मेरे पास और भी है, ये देखो। अब तो ठीक है ना बानी? नोशु, जब देता है तो छप्पट फाड़ के देता है ना नोशु? बानी, बानी, मैं जानता हूं बानी तुम्हारे दिल में बड़ी हसरतें, बड़े अरमान हैं। मैं ये भी जानता हूं तुमने मेरे लिए कितने दुख झेले हैं, लेकिन नहीं नोशु, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। जी भराने लगा था, लेकिन लेकिन एक बात है, एक बात है। क्या बात है बनी? नोशु, इस वक्त तू कहां से चला आ रहा है? राम बाबू के काफी घर से आ रहा हूं। जहां वो अदनंगी औरत थी, जहां वो अजीब अजीब शक्लों के आदमी थे, जिनको मैं आदमी कभी नहीं समझ सकता, नोशु, तू वहां से चला आ रहा है, और ये रुपया भी वहीं से चला आ रहा है। तुम परेशान हो बानी, ये सिगरेट ले लो। नहीं नहीं नोशु, ठीक ठीक बता दे नोशु, ये रुपया तुझको कहां से मिला, कैसे मिला? बानी, ये रुपया बीती हुई बहुत सी मुश्किल घड़ियों का बदला है, उन आंसुओं का बदला है जो तुमने, हमने और कई दूसरों ने बहाए हैं। ये मुफ्त हमारे हाथ में नहीं आया है बानी, हम लोग बहुत पहले इसकी कीमत अदा कर चुके हैं, हम लोग इसकी कीमत अदा कर चुके हैं बानी। नोशु, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने कई बार तुमसे कहा है बानी कि मुझसे उल्टे सीधे सवाल मत किया करो तुम। नोशु, आज तेरे गुस्से पर मुझको प्यार नहीं आएगा। ठीक ठीक बता, ये रुपया कहां से आया? सारा रुपया ईमानदारी से तो हाथ नहीं आ सकता, तूने चोरी की है, जुआ खेला है। मैंने धंधा किया है, मैंने अनाज बेचा है बानी, मैंने धंधा किया है, मैंने अनाज बेचा है, और जिन लोगों को जरूरत थी उन्होंने अपनी खुशी से ज्यादा दाम देकर खरीदा, इसमें हमारा कोई दोष नहीं बानी, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। अशोक,
काले बाजार का धंधा शुरू कर दिया है। रुपया इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है बनी, और मैंने अपनी जरूरत को पूरा किया। तूने मजबूरों को और मजबूर बनाया है, तूने गरीबों को और गरीब किया है, तूने लोगों का अधिकार छीन लिया। चले रे जिया नहीं मानी, कैसा जादू डाल रे बलुमान जानी, घड़ी घड़ी मचले रे जिया नहीं मानी। ला 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 चले रे जिया नहीं माने। चले रे जिया नहीं मानी, कैसा जादू डाल रे बलवान जानी, घड़ी घड़ी मचले रे जिया नहीं मानी। चले रे जिया नहीं मानी, कैसा जादू डाल रे बलवान जानी, घड़ी घड़ी मचले रे जिया नहीं मानी। मोनू साहब, आज हम बहुत परेशान हैं। आप बड़े बूढ़े आदमी हैं, समझदार हैं, हमने कहा चलिए आपके पास चलें। बताइए अब क्या कह रहा है। हो। अच्छा मोनू साहब, देखिए अगर आप अपनी दीदी से 1000 रुपया उधार लें और आपके धंधे में कुछ 2-4 दिन की उलट फेर हो जाए, तो फिर आप अपनी दीदी को मुंह कैसे दिखाइएगा, घर कैसे जाइएगा? आपकी दीदी आपको मारेंगे नहीं? क्या आपकी दीदी आपके चांदा मार देंगे, घुसा मार देंगे। लेकिन हमारी दीदी अजीब है मोनू साहब। आपकी दीदी कौन? वही आपने 1000 बार उनको देखा है, वो हमारी दीदी भी है, हमारे दादा भी है, हमारे भैया भी है, हमारे सब कुछ। बात नहीं सुन रहे जी आप? क्या Mm-hmm.
झूठ बकता है। मैं तो सोच रही थी, मैं तो देख रही थी कि ये कहाँ होगा। तू क्या कर रहा था? कहाँ था तू? तू कहाँ था? बैठी। मुनु साहब, एक काम कीजिएगा, ऊपर जाकर थोड़ा सा पानी ला दीजिए। जाइए। आपसे अकेले में बहुत सी बातें करने को दी चाहता, सब बातें अपनी बातें, आपकी बात, मोहल्ले भर की बातें, लेकिन ओह नौशु, मैं मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं। अरे राम, जानते हो बापू राम के घर क्या हो रहा है? नहीं, नहीं, नहीं जानते, मैं बताता हूँ। बापू राम ने अपनी जोरू को ऐसा पीटा कि बेचारी अपने मायके चली गई। और बापू राम का ससुर और उसके साले लंबे लंबे डंडे लेकर आ गए और कहने लगे, निकल बाहर, अबे बाहर निकल, पर वो बाहर नहीं निकला है। बिहारी बाबू, आज सुबह नथवा पनवाड़ी से मिले थे तुम? नथवा पनवाड़ी नहीं तो जी, उसकी दुकान पे सुबह पुलिस काहे के लिए आए थे? हाँ, पुलिस हाँ, क्यों आए? सत्ता खेलता है, सत्ता खेलता है। मैं जाऊं? जाओ हाँ, जाओ जाओ। मैं अभी तो होके गया यहाँ से। यहाँ से क्या? सारा ही पूछ रहा था। अच्छा, मैं अभी सारी बातें पता करके आता हूँ, तुम यही ठहरना, जाना नहीं। देखो मैं आकर सारी बातें बताऊंगा, यही ठहरना तुम। और तुम अच्छा चला। आप सोच रही होंगी कि मैं कितना झूठा हूं, किस चालाकी से मैंने बिहारी बाबू को डाल दिया, मगर कभी तो घड़ी दो घड़ी आपसे बैठकर बात करने का मौका मिलेगा, कभी तो आखिर हम आप नौशु कैसे हो? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? एक बात बताओ नौशु, अभी अभी रास्ते में पानी मास्टर से मुलाकात हुई, बहुत परेशान मालूम होते हैं, बात क्या है? कोई बात नहीं है, दो चार दिन की तकलीफ है, कट जाएगी। हाँ बेटा, फिर भी कौन जाने कब कटेगी। जब भी आपको देखा है यही मालूम हुआ है कि जितने खुश आप बाहर से नजर आते हैं, आप अंदर से उतने खुश नहीं। ठीक बात है, जिस तरफ देखता हूं अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, लेकिन आखिर कोई सूरत तो होगी इस अंधेरे पर काबू पा लेने की। अच्छा मोहन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम जाते हैं, कल आएंगे, इंतजार कीजिएगा। इंतजार कीजिएगा मोहन साहब। मोहन जवाब दो, कहो जी हाँ इंतजार करेंगे। रुपए की जरूरत है, मैं रुपया भाभी को दूंगा। अपनी मेहनत मजदूरी का एक पैसा ऐसे हराम के 10 लाख से अच्छा है, यह पैसा इस घर में नहीं रहेगा। मैंने कह दिया है यह पैसा इस घर में नहीं रहेगा नोशु। नौशु,
तुम चाहते क्या हो बानी? मैं पैसा ना बनाऊं, जिंदगी भर तुम्हारे सर पे बोझ बना बैठा रहूं और तुम्हारा ही खाता रहूं मैं? मुझको इस पैसे से नफरत है बस, और मैं कुछ नहीं जानता। और मैं अब पैसा बनाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा, ये भी सुन लो बानी। तो फिर मुझको तुमसे भी नफरत करने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, ठीक है बानी। क्या बात है मोनू, जग्गू रो क्यों रहा है? इसने आज से बाबा निकल से खाना नहीं खाया। कल से खाना नहीं खाया जग्गू? ले जा खाना खा ले। नौशु, आज तो इसे पेट लेंगे नौशु, मगर कल क्या होगा? और तुझको इतना समझाया था कि बेटा रोना नहीं, तेरे रोने से तो मेरी बदनामी होगी, दुनिया समझेगी मैं शराबी हूँ, जुहारी हूँ, बदमाश हूँ, जाने क्या हूँ कि मेरा एक ही बच्चा है और वो भी आए दिन भूखों मरता है। मैं किस किस को समझाता फिरूंगा कि 40 रुपए महीना जो मिलता है उसमें गुजर नहीं होती, दिन रात मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी हम नंगे भूखे हैं, अंदर बाहर से गल सड़ गए हैं, ना घर बार का ठिकाना है, ना दो टुकड़े रोटी का सहारा। ठीक है राजा, लेकिन लेकिन नौशु, तुम तो समझदार आदमी हो, तुम ही बताओ हमारे बच्चों की रोटी कौन छीनता है, हमें रास्तों की ठोकरें खिलाते खिलाते कौन मार डालता है, इतनी आबाद दुनिया में हमारे बर्बाद रहने के सामान कौन करता है? बताओ नौशु, बताओ क्या बात है? क्या खेतों को आग लग गई, वहां अनाज नहीं रहा, दुनिया को क्या हो गया है, आदमी को क्या हो गया है? नौशु, कुछ नहीं जानता आदमी को क्या हो गया है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। मेरी आंखों में आंखें डाल के क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? इस जमाने में बर्बादी का बीज कुछ मैंने थोड़ा ही बोया है, मैं क्या जानता हूं, कुछ नहीं जानता मैं। राजा ने कोई ऐसी वैसी बात कह दी? उल्टे से सवाल करने लगा था मुझसे, अब बताइए मैं क्या जवाब दूं उसको, क्या जवाब दूं मैं उसको? वो बेचारा बहुत दुखी है, मजबूर है। मैं उसकी मजबूरी को अच्छी तरह जानता हूँ, अपनी मजबूरी को भी अच्छी तरह जानता हूँ, मैं सबकी मजबूरी को जानता हूँ। आप बहुत परेशान मालूम होते हैं। आज मुझे एक बहुत बड़ा फैसला करना है, बहुत बड़ा फैसला करना है। ये फैसला करना है कि जिंदगी भर इसी तरह गरीब रहना होगा, राजा और उसके बच्चे की तरह भूखों मरना होगा, सपने उठाने होंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने की कोशिश करना होगी। पैसे की कीमत कौन नहीं जानता, इसके बगैर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। आपसे मेरा रिश्ता भी तो नहीं जुड़ सकता इसके बगैर। लेकिन वाणी की समझ में ये बात नहीं आती, उसकी समझ में नहीं आती ये बात, और इसीलिए आज मैंने घर छोड़ दिया।
अब मैं बानी के साथ नहीं रहूंगा, कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन बानी के साथ नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा मैं उसके साथ। यही कह सकती हूँ कि ऐसा ना हो तो अच्छा है, फिर भी कौन जाने क्या होने वाला है। जिंदगी भर मैंने बानी का दिल दुखाने वाला कोई काम नहीं किया, और गरीब रहकर इंसान जितना जलील हो सकता है उतना जलील भी हुआ मैं। दूसरे नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने इस फुटपाथ पर जाग जाग कर कितनी रातें काटी हैं। इसकी मट्टी में मेरी मजबूरियों के बेहिसाब आंसू शामिल हैं। मालक, अब मैं गरीब रहना नहीं चाहता। मैंने पैसा बनाने की एक सूरत ढूंढ निकाली है, और मैंने बहुत अच्छा किया है। एक दिन आएगा कि सब मान जाएंगे कि मैंने बहुत अच्छा किया। मैं चलता हूं। जाएगा? ये तो मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं कहां जाऊंगा। कभी कभी तो इस तरफ आइएगा ना। आता रहूंगा। कमेटी ने फैसला किया है तुम भरोसे के आदमी नहीं हो। तुम जो चाहो कहो, लेकिन सबका कहना है तुमने रुपया चुराया है। लेकिन हेडमास्टर साहब, आपका रुपया तो मैंने वापस कर दिया है। फिर भी स्कूल की नौकरी अब तुम नहीं कर सकते। कमेटी ने फैसला कर लिया। चलो न मोरा बालू, मिटेंगे सारे दिल के ये गम। चुप आए मेरा मुख चुप, संग मोरे सावन की रुत घूमे। काली हटा झुमेरे, काली हटा झुमेरे झुमेरे झुमे। सुहाना है ये मौसम, कलो न मोरा बालू, मिटेंगे सारे दिल के ये गम। सुहाना है ये मौसम,
तुम सलो न मोरा बालू मिटेंगे सारे दिल के ये गम आरारम कल का गरीब आज पैसे वाला बन गया। उफ रे काले बाजार। तुम लोग चाहे कुछ भी कहो मगर मैं तुम लोगों को एक पैसा नहीं दूंगा, एक कौड़ी नहीं दूंगा। पहले मेरा हिसाब किताब साफ होना चाहिए। तुम लोग कितना रुपया खा गए हो मेरा? क्या कोई नई मुसीबत आन पड़ी है ठाकुर साहब? ये क्या व्यापार है, ये क्या दोस्ती है, ये क्या तमाशा है? नए सौदे में जितना रुपया आया सब दबा कर बैठ गए और कहते हैं तुम लोगों को एक पैसा भी नहीं दूंगा। ये ठीक कहते हैं ठाकुर साहब? हाँ, मैंने कहा है और मैं इनको एक कौड़ी नहीं दूंगा। क्या समझते हैं ये अपने आप को? ठाकुर साहब आप मेरे साथ एक सेकंड के लिए बाहर आइए। बैठिए ठाकुर साहब। तो क्या इरादा है, सारा माल खा जाइएगा? उनकी बात करता है? एक दमड़ी नहीं दूंगा। बड़ा दम है आपकी आंखों में ठाकुर साहब। मुझे तो ये बात एक लड़की ने बताई। लड़की? कैसी थी? अच्छी थी। दांव लगे तो हम भी देख ले। अरे आप ही का तो पूछने आई थी कमबख्त। मुझे पूछने आई थी? मार डाला हमारी कसम। अकेले में मिले तो जान लौटा दूं। अकेली नहीं थी ठाकुर साहब, गोद में एक बच्चा भी था और कह रही थी कि आपका है। वो मैं तो समझा था मर आ गए होंगे। अभी तो जिंदा है। तुम्हें कहां से मिल गई? अरे हमें सभी मिल जाते हैं ठाकुर साहब, हम तो सबके राज जानते हैं जी। मगर कहती क्या थी? कहती थी ठाकुर साहब से बदला ले के मरूंगी। और मैंने पूछा भी कि भाई किस बात का बदला लेगी, तो कहने लगी कि ठाकुर साहब अपना मतलब निकाल के चल दिए, इस बात का बदला लूंगी। लेकिन ठाकुर साहब आपको ऐसे झंझट में पड़ने की क्या जरूरत थी? हाँ जी ठीक है, ऐसी बातें तो हो ही जाती हैं, आपसे आप हो जाती हैं। अब वैसे भी तो थी भी गरीब ही जमीन के बराबर, और इंसान जमीन पे पांव न रखे तो रखे भी कहाँ ठाकुर साहब। मगर अब क्या होगा? दस हजार की बात है डॉक्टर साहब। कौन लेगा? मैं लूंगा, इस बात को छुपाने का। तुम बड़े चालाक हो। अपनी अपनी पूंजी है ठाकुर साहब, आपका पैसा है अपना भेजा है। फिर अपने को 10,000 रुपए देना होगा, और वो जो नए सौदे में से 50,000 की रकम आई है उसमें से आधा बाकी साथियों को देना होगा। तुम्हें तो देना होगा, उनको क्यों? तू उनको इसलिए देना होगा कि मुझे उसमें से भी कुछ मिल जाएगा ठाकुर साहब।
दो दो जगह से पैसा मारेगा, उनको भी धमकी देगा। धंधे की बात है जी, जहां जिस तरह चलेगा चलाएंगे। और फिर काले बाजार का पैसा है, झूठ का, बेईमानी का, चोरी का पैसा है, और थोड़ा भी नहीं, बहुत सा है। बहुत, इसीलिए अकेले ही खाइएगा ठाकुर साहब, तो आपका ये पेट फट जाएगा। हम भी खाएंगे और अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम सब कुछ उल्टा कर देंगे। कहिए क्या ख्याल है? देंगे, देना ही पड़ेगा, लेकिन लड़की और बच्चे की बात साथियों को मालूम ना हो। वो लोग कहां के शरीफ हैं ठाकुर साहब? और फिर हमसे पूछेंगे तो हम उनसे कह देंगे कि ठाकुर साहब तो बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े ईमानदार हैं, आधा रुपया जरूर लौटाएंगे। लौटा दूंगा। और हमारा 10,000? कल दे दूंगा। तो ठीक है। ठाकुर साहब तो बड़े ही धोखेबाज निकले, कमीने हैं। पैसे की बात तो धरी रह गई, वो तो आप लोगों के राज ही खोलने लग गए। मेरे बारे में क्या कहा उसने? बहुत कुछ कहा आपके बारे में, बहुत कुछ कहा आपके बारे में, कहा आपके बारे में, कहा और मातृ साहब के बारे में बहुत कुछ बताया। मैंने पहले ही कह दिया था कि ऐसे आदमी को अपने धंधे में शरीक नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अजीब मुसीबत है, एक तरफ तो पैसा दबाकर बैठ गया और दूसरे तरफ आप लोगों की बदनामी करता फिरेगा। हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है, गलती सब लोगों से हो जाती है, आपसे भी हुई होगी। रुपया तो मैं आप लोगों को वापस दिलवा दूंगा, लेकिन आप लोगों को कुछ मेरा भी ख्याल करना होगा। मोनू ने तो बताया आपके पैर में मोच आ गई है। जी हाँ, लेकिन अब ठीक हो गई है, अब मोनू साहब जब आ जाएंगे तो फिर आ जाएगी। बैठिए ना, बैठिए। और मोनू साहब तो पानी लेने गए होंगे। आम लेने गए, रोज रोज पानी का बहाना कैसे चलेगा? फिर आपकी सीढ़ी में भी तो लोग हर वक्त आते जाते रहते हैं, बिहारी बाबू का भी डर लगा रहता है, इसीलिए मेरे पैर में मोच आ गई है, मैंने आपको यहाँ बुलवा लिया। जी हाँ। आज मैंने एक बहुत बड़ा काम किया है। बानी से मेल कर लिया हो तो अच्छा है। बानी से मेल भी हो जाएगा एक दिन, लेकिन आज मैंने 20,000 रुपया कमाया है, 10,000 एक जगह से और 10,000 दूसरी जगह से। पैसे के लिए दूसरों को बेवकूफ बनाने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। जाने पैसे से आपको इतना प्यार क्यों है? अब तो पैसे को मुझसे प्यार हो गया, दिन रात मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। आप जानती हैं मुझसे क्या पूछता है? आपका ठिकाना पूछता है। हर वक्त कहता है बस मुझे उनके पास ले चलो, मैं उनके लिए एक शानदार बंगला बनाऊंगा, बड़े बड़े मोतियों की माला बनके उनके गले से लिपटा रहूंगा।
और जानती हूँ इसे क्या बहुत बोलता है, आपको तो सोने भी ना देता होगा। नींद तो आजकल नहीं आती, लेकिन इसकी वजह कुछ और ही है। मैं आपसे कहने आया था कि अब दूसरों की नौकरी छोड़ दीजिए, अच्छी बात नहीं। जीना है तो काम काज करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही होगी। मेहनत ही करना है तो अपने घर में भी हो सकेगी ना। अपना घर बसा लीजिए। घर बनना मुश्किल होता है मगर टूटना आसान होता है, इसीलिए सोचकर इतना मजबूत बना लेना चाहिए कि फिर टूट ना सके। है तो फिर भी सोचकर कदम उठाना पड़ेगा। जाने मोनू साहब कब आएंगे? हम तो बहुत देर से यहीं बैठे हैं, आम खा रहे हैं। अच्छा मोनू साहब, फिर हम चलते हैं, अब कल वल मिलने आएंगे। अच्छी बात है, जब आप मिलने आएंगे तो हम पानी लेने चले जाएंगे या आम लेने चले जाएंगे। छोड़ को, नोशू की माला दिखाओ, कपड़े धो रही है। लड़की अच्छी है ना, देखा जैसे जैसे चांद का टुकड़ा। घर में फूटी कौड़ी तक नहीं, रात का खाना कहां से पकेगा, इसका तो ठिकाना नहीं। अब तुमको लड़कियों की सूझ रही है। मीना, रात की रात को सोच लेंगे, इस वक्त तो खाना खा लिया है ना। जिस घर की ये हालत हो गई हो, बाबा ठीक कहते हैं, ऐसे घर में दो घड़ी भी नहीं रुकना चाहिए। घबराओ नहीं मिलना, मैं तो जा ही रहा था, ये देखो आज बुरा वक्त जाके बेच ही आता हूं। क्या है? हाँ, एक घड़ी बेच रही है। घड़ी बेचने आया देखता है? मैं देख रहा हूँ मेरी जेब किसने काटी है। क्या बकता है? अरे मैं देख रहा हूँ मेरी जेब किसने काटी है। हमने तेरी जेब काटी होगी? हम क्या जेब कतरे हैं? हम दुकानदार हैं, हम शरीफ आदमी हैं। क्या समझता है? जेब कट गई तो अच्छा हुआ, मुझको इससे क्या। ये क्या हो रहा है मिन्ना, सामान क्यों बांध रही हो? मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ, मैं इस घर में और गुजर नहीं कर सकती, मुझको यहाँ भूखा नहीं मरना है। अरे मिन्ना, भगवान अगर है तो सब ठीक कर देगा, और
जो नहीं है तो फिर खुद ही देख लेंगे। मीना तू घबराती क्यों है? क्यों ना घबराऊं? घबराने की बात नहीं है तो क्या है? ऊपर से घर वाले ने आकर घर खाली करने को कह दिया है। जब घर की यह हालत है तो मैं यहाँ पर क्यों रहूं? घरवाली दुख में साथ नहीं देगी तो कब साथ देगी? मैं जबरदस्ती का दुख अपनी जान पर क्यों ले लूं? मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काट रखा है। मीना मैं नौकरी के लिए कोशिश तो कर ही रहा हूँ। तुम कुछ भी करो जी, मगर मुझको अब इस घर में नहीं रहना है। दुनिया कहेगी घर छोड़कर चली गई, कहने दो, दुनिया जाए बाहर में, मुझे अपने सुख से काम है। और अगर तुमको मेरे और घर के सुख का ख्याल होता तो भाई झोली भरकर पैसा लाया था, रख लिया होता ना। मिन्ना वो पैसा इस घर में नहीं रह सकता था। अरे भूखों मर जाए तो ठीक है, मगर इस तरह का पैसा इस घर में कभी नहीं रखूंगा। तो तुम बड़ी खुशी के साथ भूखों मर सकते हो और मैं चली, इसलिए कि मुझे अपने सुख से काम है और मेरे माँ बाप के घर में मुझे बहुत सुख मिलता है। मेरा बाकी सामान बाबा कर ले जाएंगे। अच्छी बात है मिन्ना, तुम जाओ। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हम तुमको फिर ठीक है बानी, देख लेना। नौशु अपने बानी मास्टर के लिए इतना बड़ा महल बनाएगा कि हर दूसरे दिन बानी मास्टर को ढूंढना पड़ेगा कि कहां खो गए। तुम चले आओ बानी, तुम सचमुच चले आओ, अपने नौशु के पास चले आओ बानी, उस दुनिया को अपने साथ लेकर आओ बानी, जिससे मेरे दिल का, मेरी आत्मा का बहुत ही पुराना और बहुत ही गहरा संबंध है। बानी, 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 बानी। तो फिर ये ठीक बात है, घर वाले ने तुझे घर से निकाल दिया है और तू अस्तबल में रहने जा रहा है। 6 महीने से घर का किराया नहीं दे सका। तो मेरे घर आ जा, वहां अस्तबल में अकेला पड़ा पड़ा क्या करेगा? तू अच्छी तरह जानता है मैं दूसरों का एहसान नहीं उठाता। तो नौशु के पास चला जा, सुना है उसने बहुत बड़ा बंगला बांधा है। मेरे दिल से बड़ी दुनिया में कोई जगह नहीं है, ना तेरा बंगला ना नौशु का बंगला। किस्मत की बात है, एक भाई बंगले में और दूसरा रास्ते पर। और बकवास ना कर, दो चार चीजें उठा और मेरे साथ चल, चल। हम कहने आए थे आप हमारे घर आ जाइए। अरे कौन कहता है मैं बेघर हो गया हूं? एक तरफ बिहारी बाबू का बंगला और दूसरी तरफ इनकी हवेली। आप कहेंगे तो मैं आपके पांव भी दबा दूंगा। मोनू साहब तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ही अच्छे हो, और तुम्हारी दीदी भी बहुत अच्छी है। तो फिर हमारे साथ चलिए। हाँ चलेंगे, मगर पहले अस्तबल में रहेंगे, अपना नया बंगला है ना, फिर तुम हमारे पास आना और फिर उसके बाद हम तुम्हारे घर पे आएंगे, ठीक है? तुम बहुत अच्छे और तुम्हारी दीदी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी।
रजवा रजवा बिहारी सुन सुन कहाँ जा रहा है? जरा काम से जा रहा है। सुन नौशो ना नौशो। अरे बिहारी बाबू आज हमारा सर बहुत दुखत है। फिर नौशो की बात कर रहा हूँ। नौशो मेरे पास आया था, कह रहा था तुम बानी के दोस्त हो, तुम उसे समझाओ वो तुम्हारी बात मानेगा। हाँ बिहारी बाबू भाईयन का झगड़ा है, तय हो ही जाए तो अच्छा है। पैसे वाले भाई के साथ लड़ता है, बुढ़ा हो गया है, उसका दिमाग खराब है। हाँ। नहीं नहीं बिहारी बाबू, बानी मास्टर तो बहुत भला आदमी है। उल्लू कहीं का भला आदमी ही तो बेवकूफ होता है। और जानता है मोहल्ले में क्या हो रहा है? काराम और उसके भाई में ऐसा झगड़ा हुआ, ऐसा झगड़ा हुआ। बिहारी बाबू हमारा सर आज बहुत दुखद है, बाकी फिर सुनेंगे, मोहल्ले भर की सुनेंगे। अच्छा राम राम। उल्लू कहीं का जा, जा, जा। साइज कहीं का तू क्या जाने हा? हम तो समझे थे कि बड़ा नेक आदमी है, पर न समर के आता है कितना फूल गया है। चोर कहीं का, देखा चार पैसे आ गए तो भाई को भी छोड़ दिया। दुनिया आपके बारे में ऐसी बातें क्यों करती है? करने दीजिए, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। इन लोगों की बातों से आपके दिल पर चोट नहीं लगती? दिल पे चोट खाने की आदत कुछ पुरानी सी हो गई है मैला। आजकल मैं अपने दिमाग से काम लिया करता हूँ। जान सकती हूँ आप क्या काम करते हैं और आपके पास पैसा कहाँ से आता है? जिस दुनिया और जिस समाज में हम आप रहते हैं वहां पैसे की इज्जत करना जरूरी है, उससे मोहब्बत करना जरूरी है। ये जानना कोई जरूरी नहीं कि पैसा क्यों कराता है और कहां से आता है। फिर भी ये लोग आपके बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं? ये लोग बेवकूफ है मारा, और गरीबी ने इन लोगों को और बेवकूफ बना दिया। मगर मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपके पास पैसा कहां से आता है और आपने बानी जैसे भाई का साथ क्यों छोड़ दिया। मैंने काले बाजार का धंधा शुरू किया है। बानी को इससे नफरत थी, इसीलिए मुझे उससे अलग होना पड़ा। तो इसका मतलब हुआ कि आपको अपनों से ज्यादा पैसा प्यारा है? आप भी मेरे मुतल्लिक यही सोचने लगी हैं क्या? आप सचमुच मेरे मुतल्लिक यही सोचने लगी हैं क्या? जी हाँ, मुझे भी आप पर शुबा जरूर होने लगा है। आपको कई बार मैंने अपने बारे में सब कुछ समझाने की कोशिश की है, इसके बाद भी आपको मुझ पर शुबा होने लगा है, तो ठीक है, इसके बाद कुछ बाकी नहीं रहता, कुछ बाकी नहीं रहता इसके बाद। और वैसे भी ठीक है, काले बाजार का धंधा चोरी या जुए के धंधे से किसी तरह कम बुरा नहीं है। और लोग ठीक कहते हैं मैं बहुत बुरा आदमी, मैं वाकई बहुत बुरा आदमी हूँ। रुक जा बानी। बता सकते हो मैंने तुम्हारा क्या छीन लिया है? मेरी दौलत ऐसी दौलत नहीं है जिसको तू छीन सकेगा। मेरी दौलत मेरा दिल है, मेरा आदमी होना मेरी दौलत है। और ये काले बाजार से नहीं आई है, चार दिन की छांव नहीं है, समझे? जा, चला जा यहां से। मुझको काले दिल वालों से बात नहीं करना है। जा, चला जा यहां से। पांच दस साल तक मुझे सहारा दिया था, यूं दिल दुखाना उसकी कीमत होगी शायद।
इस तरह दूर से नफरत क्यों जताते हो? पास आके मेरे दिल में छुरी क्यों नहीं घोंप देते? गरीबी और मुफलिसी से भाग कर मैंने पनाह क्यों ली? मैंने इतना बड़ा गुनाह क्यों किया? मोहल्ले वालों की नफरत, माला की नफरत और दुहाई नफरत कुछ नहीं है बानी, कुछ नई बात सोचो। कोई ऐसी ठोकर लगाओ कि भेजा फट के बाहर बह निकले बानी और लोग जान जाएं कि मैंने क्या दोष किया था। हर वो आदमी जो मजबूरों की लाशों पर अपना महल खड़ा करेगा ठोकर ही खाएगा। ये मेरे दिल की आवाज है जिसको तू नहीं सुन सकेगा, इसलिए कि तू अब आदमी नहीं रहा। ठीक कहते हो बानी, मैं आदमी नहीं। अगर मैं आदमी होता तो बार बार अपनी मोहब्बत लेकर तुम लोगों के पास इस तरह क्यों आता? आदमी ये सब लोग हैं जिनके बच्चों को मैंने अपने सीने से लगाकर पाला है, जिनको मैंने प्यार किया है और अपना समझा है। इन्हीं के बच्चे जब भूखों मर रहे थे, तू इनके हिस्से का अनाज काले बाजार में बेच बेच के अपने खजाने भर रहा था। उस वक्त तेरा प्यार कहां था? जा, चला जा। हमारे पास आना होगा तो पुराना नोशू बन के आना। दोस्त की जरूरत है जिसे मैं अपना सब कुछ बता सकूं, जिसके आगे मैं अपना दिल खोल के रख दूं, अपनी सब बातें कह दूं उसको। मैं दोस्त बन सकती हूं मगर कीमत काले बाजार की देनी होगी। सुन, मुझको आज ऐसे मालूम होता है जैसे कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूं और यहाँ मेरा कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा मालूम होता है मुझको। रुपया पास होना चाहिए, आदमी सब कुछ खरीद सकता है। मैं तो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ सुमन, मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। और ये रुपया पैसा भी मैं कुछ अपने लिए थोड़े जमा कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं जमा कर रहा। लेकिन ये सब लोग इतनी सी बात समझते क्यों नहीं है? इतनी सी बात इनके समझ में क्यों नहीं आती है सुमन? ये इस मुफलसी से, इस जिल्लत से घबराते क्यों नहीं है? इस गरीबी से डरते क्यों नहीं है जिसमें ये दिन रात हर रोज सुबह शाम गलते सड़ते रहते हैं, जिससे मैं खुद मर मर के अपना पीछा छुड़ाया उससे मैंने? इतनी सी बात इन लोगों की समझ में क्यों नहीं आती है? क्या हुआ है सब लोगों? तुम तो दूसरों की बात कर रहे हो। कसम आज गमगीन हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख
देख जा किस तरह आज तन्हा है हम शाम गम की कसम। चैन कैसा जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्द जुदाई कहीं। रुत हसी है तो क्या चांदनी है, तो क्या चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम। शाम गम की कसम आज गमगी है हम, आ भी जाज मेरे सनम। शाम गम की कसम अब तो आ जा के अब राधी सो गई। जिंदगी गम के सहरा में खो गई। अब तो आ जा के अब राधी सो गई। जिंदगी गम के सहरा में खो गई। ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते देखते आया आँखों शामे गम की कसम। आज गमगी है हम, आ भी जा भी जा। नौशो तुम हो, कब आए? बहुत देर तक इंतजार तो नहीं करना पड़ा, मैं जरा चाय पीने चला गया था। सुनाओ कैसे हो? मालूम होता है बहुत पैसा बनाया। बहुत पैसा बनाया तुमने, ठीक ही किया नौशो। अपनी तरह बेवकूफ होते तो तुम भी यहां अखबार में पड़े पड़े भूखो मरते। इरादा है घोष बाबू नए नाम से फिर लिखना शुरू करूं। नए नाम से क्या लिखने का इरादा है? काले बाजार वालों की कहानी, उनके करतूत, उनका जुल्म, वहां का अंधेर। मगर नए नाम से लिखने की क्या जरूरत है? घोष बाबू, जब जेब खाली होती है ना तो इंसान सीना तान के चलता है, और जब सर पर दौलत का बोझ लग जाता है तो गर्दन झुक जाती है और इंसान बुजदिल बन जाता है। अजीब बातें कर रहे हो, दिल में कुछ खटका है? खुशी नहीं है घोष बाबू, बस खुशी नहीं है, और न जाने किस कीमत पे कहां से मिलती है। मगर करते क्या हो ये तो बताओ। चार दिन में जिसके हाथ लाखों रुपया आ जाए वो और क्या करता होगा, जुआ खेलता होगा या काले बाजार का धंधा करता होगा। ठीक कहते हो नौशु, मजबूरी का चक्कर बहुत बुरा है। अच्छे से अच्छा आदमी बुरे से बुरा काम करने पर मजबूर हो जाता है। हाँ मैं रोज रात यहां लिखने आया करूंगा घोष बाबू, मगर मेरा ये राज किसी को नहीं बताना होगा।
आप लोग बहुत परेशान मालूम होते हैं, क्या बात है? धरती अखबार में हमारे तुम्हारे राज छपने लगे हैं, कुछ मालूम है तुम्हें? धरती अखबार में हमारे तुम्हारे राज छपने लगे हैं? हाँ। कौन छापता है, किसकी शामत आई? तुम तो अखबार में काम करते रहे हो, मेरा ख्याल है तुम अंदाजा जरूर लगा सकते हो। क्या अंदाजा लगा सकता हूँ? अरे भाई, मेरा मतलब यह है कि तुम काम करते रहे हो अखबार में, जरूर अंदाजा लगा सकते हो। मैं कोशिश करूंगा राम बाबू। सिर्फ कोशिश से काम नहीं चलेगा नोशू, ये बड़े खतरे की बात है। अगर इसी तरह से वो रोज रोज लिखता रहा तो हमारी इज्जत का सत्यानाश हो जाएगा, हमारे व्यापार का सत्यानाश हो जाएगा। तुम्हारे कुछ समझ में भी आता है? आप लोगों ने क्या सोचा? हाँ, इनका कहना यह है कि अखबार वालों के साथ पैसे से काम नहीं चलेगा, रोज रोज उसको मरवा देना होगा। कौन मारेगा? कौन मारेगा? नोचू, पैसा, पैसा, ठीक है ना? है? मरवा दो अगर मरवा सकते हो तो। हाँ, हाँ। बहुत ठीक बात है, तो फिर हम चलते हैं। बता तू दीदी, ये कौन लाया होगा? मैं लाया हूं। कल रात मैंने एक सपना देखा, जैसे जैसे नोशू आ गया है और वो बहुत रो रहा है। फिर उसने मुझको मोनू के लिए ऐसे फूल दिए। मैं जानता हूं मेरे लिए सब उसको बुरा भला कहने लगे, मगर एक बात है बेटी, मेरा उससे कुछ भी झगड़ा हो लेकिन तुम उसको न भूलना। बदनसीब का दुनिया में कोई है भी तो नहीं। जाने वाले आज
जा तेरी दुहाई, समा है प्यारा प्यारा जमा है ये नजारा, बेताब दिल हमारा नजर है बेसहारा, पिया आ जा रे दिल मेरा पुकारे, पिया आ जा रे, पिया आ जा रे दिल मेरा पुकारे, पिया आ जा रे। जैसे कोई दिल ले गया है मेरा, समा है प्यारा प्यारा जवा है ये नजारा, बेताब दिल हमारा नजर है बेसहारा, पिया आ जा रे। आओ मास्टर जी आओ, सब ठीक ठाक है पर यहाँ तो ससुर मच्छर बहुत है, तुमका भी ऊपर का नींद आवत होगी। अजी सब ठीक है, सर ढकने के लिए छत है, बड़ा बंगला हो के अस्तबल हो बात वही है चार दीवारी की। खाना रखा है थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो ना, इसमें शर्म की का बात है, ना जाने कहां से लाके खात हो, कैसे गुजर करत हो, अरे नौकरी चाकरी भी तो नहीं। बंदोबस्त हुआ का? और बंदोबस्त होगा भी क्या, यह दुनिया ही ससुर बड़ी अजीब है बानी मास्टर, इस दुनिया में सर भी फोड़ना हो तो पत्थर चाहिए पत्थर। अरे बड़ी अजीब दुनिया है, भाई था वो छोड़ के चला गया, जुड़वा है वो छोड़ के चली गई, का तकदीर है तुम्हारी भी बानी मास्टर। नहीं नहीं रजवा, ठीक है चली गई, अपने माँ बाप के घर सुख से तो रह सकेगी, अपने साथ रहती वो भी भूखों मरती। तुम कितने भले आदमी हो बानी मास्टर। आज मोनू साहब नहीं आए, जाने क्या हो गया है, माला तो नौकरी पर गई होगी बेचारी। बहुत नेक लोग हैं रजवा, मेरी कितनी देखभाल करते हैं, मैं तुम लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बानी मास्टर, तुम यहां रहने लगे हो अस्तबल में जानवरों के साथ? आओ आओ मीना, ये है मेरा दोस्त रजवा, अभी अभी तुम्हारी बात ही कर रहे थे, ऊपर का कमरा है ना, इसी ने मुझको दिलवाया है। मैं तुमसे दो बातें करके जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ मिन्ना हाँ। मुझको मेरे बाबा ने भेजा है और उन्होंने पूछा है कि ऐसा कब तक चलेगा। कि क्या कब तक चलेगा मिन्ना? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और अपने माँ बाप के घर में पड़ी हूँ, मेरा खर्चा कैसे चलता है ये भी कभी तुम पूछने नहीं आए हो। मुझे इसका ख्याल जरूर है मिन्ना, मगर 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 का करत हो, अरे साफ साफ बात करो ना, घर वाले की तो ये हालत है, ना नौकरी ना चाकरी ना खाने पीने का ठिकाना, और आते ही ये तो ना पूछा कि कैसी गुजर रही है और खर्चे का तगादा करने लगी, ये का इंसाफ है, ये कान ढेर है। रजवा तुम कौन हो जी? अरे मैं रजवा हूँ जी, गाड़ी बांध, ये मत समझो कि मेरी खोपड़ी में बुद्धि नहीं है,
ये तुम्हारा आदमी बहुत भला है, मगर मैंने दुनिया देखी है। तुम क्या इनके वकील हो? अरे हम गरीब हैं, ये गरीब है, हम इनकी वकीली नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तुम्हारा बाप तो बहुत पैसे वाला है ना, इस बेचारे की मदद करने तो नहीं आया, और ऊपर से तुम्हें भेज दिया है खर्चा मांगने के लिए। अरे मैं कहूं बिटिया, घर की बहू बेटी का ऐसी होते है? कसम भगवान की, अगर मेरी बिटिया ऐसा करे तो मैं तो गाड़ी का पहिया उसके ऊपर से चला दूं। मैं कहती हूँ जिसको कहो अपनी जुबान बंद कर ले। हाँ मीना, नहीं नहीं रजवा, मीना ठीक कहती है। अरे क्या ठीक कहती है, छुरी भोंक रही है छुरी। अरे इसे भी ठीक समझत हो है? मैं कहूँ भैया, ऐसे भी शरीफ बन के रहोगे तो दुनिया बोटी बोटी लोच लेगी। तमड़ी का आदमी तमड़ी का सही बदतमीज कहेगा। अरे साईस आदमी बदतमीज नहीं होगा तो का लाट साहब होगा? खामोश रहो, और तुम भी कान खोलकर सुन लो जी। मेरे बाबा ने कहा है जैसे तैसे तुमको मेरे खर्चे का इंतजाम करना होगा, बस। और मैं कुछ नहीं जानती, यही कहने आई थी। हमने उस अखबार वाले को मारने के लिए इस आदमी से 1,000 रुपए में मामला तय किया है। सुना है बहुत जीदार आदमी है। मुकाबला भी तो जीदार से है। जीदार तो क्या बेवकूफ होगा जो हम जैसे लोगों के खिलाफ अपने दमड़ी के अखबार में लिखने की जरूरत करता है। तो आप उसको मारिएगा। पहले भी कभी ऐसा नेक काम किया है? पहले कभी किसी को मारा है क्या? जवान आदमी हो, खूबसूरत हो, मोहब्बत में तो किसी ना किसी को जरूर मारा होगा। देखेंगे तुम्हारे बाजुओं में कितना दम है। मुझ जैसे एक पैसा बनाने वाले बुजदिल को नहीं मार सकते तो सच पिकने वाले जीदार को तुम कैसे मारेगा? अरे नहीं नहीं, जरूर 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 मारेगा। अरे क्या जरूर मारेगा, जरूर मारेगा। हम तुम्हारा मदद करेगा हम तुम्हारा मदद करेगा? तुम्हारा जरूरत नहीं है, अभी आने तो दो, हम मारेगा। अरे तुम क्या मारेगा, घड़ा बक बक करता है तुम। हम मारेगा, घबराता गया कोई? तुमको अपना बाकी का 500 रुपया चाहिए ना? वो 1,000 बोला था, 500 भी बाकी है हमारा। तो हम देगा तुमको बाकी का 500 रुपया, अभी देगा। वो अभी अभी क्या करता है? जाओ मौज करो, भागो यहां से।
नीचे क्या हो रहा था नोशू? एक साहब मुझे मारने तशरीफ लाए थे। तुम्हें मारने के लिए? पैसे के धंधे में ऐसे ही होता है घोष बाबू, जब 10 मरते हैं तो एक जीता है। तुम लिखना बंद कर दो नोशु, तुम्हारी जान खतरे में है। जाने तो बहुतों की खतरे में है घोष बाबू, शहर में बीमारी फैल रही है और दवाइयां काले बाजार वालों के नाम में बंद कर रखी है। जब बहुत लोग मरने लगेंगे और दवाइयों के दाम ऊंचे होंगे तो उस वक्त हम लोग दवाइयां बेचेंगे। नोशु तुम भी ऐसा करने लगे हो? राम बाबू आप तो बहुत शरीफ आदमी हैं। अरे साहब शरीफ आदमी हैं तो क्या अफीम खा के मर जाएं? शहर भर में बीमारी फैली हुई है आप तो जानते ही हैं। जी हाँ कुछ आगे भी फरमाइएगा। कीमत अच्छी दिलवा देता हूँ, दवाएं बेच डालिए। एक बात आपसे पूछूं भाईजान, आप बीमार तो नहीं? नहीं मैं भी बीमार नहीं, फिर चिंता किस बात की है? हाँ अरे राम बाबू क्या बताऊं, किस तरह बताऊं कि कितने लोग मर गए हैं और कितने मरे जा रहे हैं। मरने दो जी, मरना जीना तो किस्मत से होता है दलाल साहब, और आप तो समझदार आदमी हैं, खूब जानते हैं कि हम व्यापारी लोग हैं, अगर 4 दिन के बाद नफा ज्यादा मिल सकता हो तो हम अपना माल आज क्यों बेचना ले? बीमारी रोग ओ तुम यहां हो, आखिर मैंने उस दलाल के बच्चे को टाल ही दिया। और ठीक तो है, दूसरों के मरने जीने से हमें क्या, मरना जीना तो किस्मत का खेल है, यूं तो दुनिया में हर मर्ज की दवा है, लेकिन लोग फिर भी मरते हैं, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
दवाओं का सौदा हुआ है कि नहीं? तमाम माल जल्दी से निकाल दो। सुना है पुलिस हमारे गोदाम पर भी छापा मारने वाली है। मुझे अभी अभी मालूम हुआ है, जब भी तो भागा हुआ आ रहा हूं। अरे जल्दी करो, नहीं तो सब पकड़े जाएंगे। लारियों में माल भरवाकर रातों रात गंदे नाले में फेंकवा दो। और बिना दवा दारू के होगा भी कहा? अरे कहा तकदीर पाई है बानी मास्टर ने। तुम सोचोगे तुम्हें पहले काहे को नहीं बता दिया। मैंने तो बहुत कोशिश की कि तुम्हारा ठिकाना मालूम करके तुम्हें खबर कर, मगर वो कहते रहे नहीं रजवा, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम्हें किसी को खबर करने की जरूरत नहीं। देखिए मैं आपके लिए फूल लाई हूं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल। आपको फूल पसंद है ना? आप कहेंगे तो मैं आपके लिए और फूल ले आऊंगी। आप मुझसे बात नहीं करेंगे बानी? देखिए तो रजवा कह रहा था आज आप सबको याद कर रहे थे, इसलिए तो मैं नौकरी पर भी नहीं गई और आपके पास चली आई। मुझसे बात नहीं करेंगे आप बानी? बानी, 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 बानी। बानी देखो तुम्हारा नौशु तुम्हारे पास आ गया। उठो बानी, उसे अपने गले से लगा लो। तुम उसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते बानी। मैं अपनी दौलत को आग लगा दूंगा बानी, मैं सारी दुनिया को ठुकरा दूंगा बानी, मैं अपना सब कुछ छोड़ दूंगा बानी। मगर वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मैं मुजरिम, मैंने काले बाजार का धंधा किया, मैंने लोगों का अधिकार छीना है। जब लोग भूख से मर रहे थे तो हम उनके हिस्से का अनाज ऊंचे दामों में बेचकर अपने खजाने भर रहे थे। जब शहर में बीमारी फैली
तो हमने दवाइयां छुपा ली और उनके दाम बढ़ा दिए। जब हमें मालूम हुआ कि पुलिस हम पर छापा मारने वाली है तो हमने वही दवाइयां गंदे नालों में फेंकवा दी। मगर आदमी की अमानत को आदमी के काम नहीं आने दिया। मुझे अपने बदन से सड़ी हुई लाशों की बू आती है। अपने हर सांस में मुझे दम तोड़ते हुए बच्चों की सिसकियां सुनाई देती हैं। वाणी ठीक कहता था, मैं आदमी नहीं हूं, मैं एक खूनी दरिंदा हूं। जिन दवाइयों से उसकी जान बच सकती थी उनका एक ढेर हमारे गोदाम में बंद था, मगर वाणी के पास दाम नहीं थे, वो मर गया। मेरा भाई मर गया। अपने हमदर्द भाई की मोहब्बत का ये बदला दिया मैंने उसे, अपने हाथों से उसका गला घोंट दिया। इन नापाक हाथों पर वाणी का मुकद्दस खून लगा हुआ है। ये दाग, ये धब्बे कभी नहीं धुल सकते। मेरे माथे पर लगा हुआ कलंक कभी नहीं मिट सकता, कभी नहीं मिट सकता। हम जैसे जलील कुत्तों के लिए आपके कानून में शायद कोई मुनासिब सजा नहीं होगी। हम इस धरती पर सांस लेने के लायक नहीं हैं, हम इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं, इंसानों में रहने के लायक नहीं हैं। हमारे गले घोंट दो और हमें दहकती हुई आगों में जलाओ। हमारी बदबूदार लाशों को शहर की गलियों में फेंकवा दो ताकि वो मजबूर, वो गरीब जिनका हमने अधिकार छीना है, जिनके घरों पर हम तबाही लाए हैं, वो हमारी लाशों पर थूके और अपनी ठोकरों से हमारे गंदे जिस्मों को रौंद डाले। मेरे साथियों के नाम और उनके पते हैं, सब के सब मेरी तरह मुजरिम है, ये सब के सब मेरी तरह खूनी है। आराम से जिंदा रहना हर आदमी का अधिकार है, मगर इस तरह दूसरों को लूटना, लोगों की रोटी छीनना, गरीब और मासूम लोगों को व्यापार के नाम पर बर्बाद करना और उनको मार डालना किसी का अधिकार नहीं। लोगों की सेवा में तो मेरी जिंदगी कट गई। अरे मैं तो रोज दान देता हूँ, अभी कल मैंने धर्म के कामों में 5,000 दान दिया है। राम 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 राम, मैं काले बाजार का धंधा करूंगा, मैं काले बाजार का धंधा करूंगा। अगर ये पूछो कि पैसा कहां से आया तो इसका जवाब यह है कि मैं खानदानी रईस हूं। मेरा बाप करोड़पति, मेरे बाप का बाप करोड़पति, मेरे बाप का बाप करोड़पति। अरे मेरे तो नौकर भी लखपति हैं, मुझे क्यों पकड़ लाए? मैं तो इज्जत वाला आदमी हूं, इसलिए कि मैं पैसे वाला हूं। तो किस्मत से होता है, अमीर गरीब होना भी किस्मत से होता है। किस्मत बनाना बिगाड़ना हमारा काम नहीं है, हम तो व्यापारी लोग हैं। मेरे बारे में क्या कहा उसने? मैं पूछता हूं मेरे बारे में उसने क्या कहा? जी ये लोग मुझे सोते में पकड़ के ले आए हैं, फरमाइए क्या बात है? हाँ तमाम साथी यही मौजूद हैं। थानेदार साहब आपने बहुत अच्छा किया कि इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, ये बड़े चोर हैं, बेईमान हैं। रह गई मेरी बात जी, मैं तो दिल्ली से हुजूर दिवालिया होकर आया था, वहां भी मेरे पास कुछ नहीं था,
वहां भी लोगों ने मुझे ठग लिया और यहां आने के बाद पसीना बहाया, भेजा लड़ाया, हुजूर थोड़ा सा पैसा जमा किया था कि इन चोरों के फंदे में फंस गया। जी हां, ऊपर से मुझे बुजदिल समझते हैं। मैं बुजदिल नहीं हूं। अगर आप मुझे छोड़ देने का वादा करें तो मैं आपके सामने इन सब की पोल खोल दूं। जी हां, और अगर आप मुझे न छोड़ें तो मैं आप पर इज्जत का मुकदमा चला दूंगा। सारी दुनिया जानती है कि हम होटल चलाते हैं और शरीफ आदमी है। माथुर साहब, आप भी यही तशरीफ रखें। जी नहीं, आप जबान से कुछ ना बोले, अगर जरूरत पड़ी तो आपकी तरफ से मैं बोलूंगा। जी हाँ, और मैं देखूंगा कि ये लोग कैसे साबित करते हैं कि आपने अपने भाई को मारा। साहब, मारा तो अपने भाई को मारा, कोई आपके भाई को तो मारा नहीं। जी हाँ, शरीफों की इज्जत पर हाथ डाल देना भाई कोई खेल नहीं। जी रो नहीं मोना, वो दिन जरूर आएगा जिसका तुझे इंतजार है, मुझे इंतजार है।